स्टूडेंट जी सर वेलकम बैक टू अवर काव्य इंग्लिश क्लासेस डियर स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न सम सेंटेंस यू नो एक कहावत है हिंदी में झूठ बोलो तो मर जाऊं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस क्रॉस माय हार्ट एंड आई होप टू डाई टू डाई यस सर बोलें क्रॉस माय हार्ट एंड आई होप टू डाई यस Cross my heart and I hope to die. And देखो आप आज का जो हमारा चैप्टर है I am plus actioning मतलब action के हमें ing लगानी है देखो and आपको reply करना है O you are action ing suppose करो हमारा आज का चैप्टर है हम कहते हैं कमरे को व्यवस्थित करना तो हम उसको बोलेंगे make the room tidy क्या बोले मेक द रूम टाइडी क्या बोलेंगे मेक द रूम टाइडी मतलब कमरे को व्यवस्थित करना सपोज को आपने बोला आई एम मेकिंग द रूम टाइडी इसका मतलब आई एम मेकिंग द रूम टाइडी क्या बोलेंगे आई एम मेकिंग द रूम टाइडी तो हम इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं ओ यू आर मेकिंग द रूम टाइडी नेक्स्ट हमारा क्लीन द टेबल तो हम बोलेंगे I am cleaning the table हम reply भी दे सकते हैं O you are cleaning the table next हमारा mop on the floor it means कि फर्श पर पोछा लगाना mop on the floor तो हम बोलेंगे I am mopping on the floor तो हम इसका reply भी दे सकते हैं O you are mopping on the floor मतलब O you are mopping on the floor next Write a poem मतलब एक poem लिखना तो हम बोलेंगे I am writing a poem तो reply में O you are writing a poem read Times of India you know Times of India it's a English newspaper तो हम बोलेंगे I am reading Times of India तो reply में से O you are reading Times of India तो O you are Reading Times of India. तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें हम कि एट प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है एट प्रेजेंट कार्य कंटिन्यूइंग उसको यूज करते हैं जैसे मेक द रूम टाइडी कमरे को व्यवस्थित करना तो आई एम मेकिंग द रूम टाइडी क्या बोलेंगे टाइडी हाँ और वो क्या था झूठ बोलो तो मर जाऊं क्रॉस माय हार्ट एंड आई होप टू डाई अच्छा वो क्या था गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वेरी गुड लेट द पास्ट बरी इट्स डेड वो क्या था जो बीत गया उसे जान दो लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स ओके थैंक यू वेरी मच